हेलो गाइस, मैं ओलिशा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, लुंगकरी की हालत देखकर लोगों को लगा कि वह कोई भिखारी है। फिलहाल उन्होंने इसे इग्नोर किया। करीब 15-20 मिनट शोरूम के बाहर से मुआयना करने के बाद लुंग शोरूम के अंदर पहुंचते ही उन्होंने कर्मचारी से कहा कि उन्हें मोटरसाइकिल खरीदनी है। सेल्स पर्सन को लगा कि भिखारी यहाँ से जाने वाला नहीं है, इसलिए उसने सख्त लहजे में लुंग को बाहर जाने को कहा। लेकिन लुंग अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने शोरूम के मैनेजर से मिलने की इच्छा जताई। शोरूम में मौजूद सभी लोगों ने लुंग को घेर लिया और लोग यही समझ रहे थे कि वह कोई भिखारी या मजदूर है। वे बार बार बाइक खरीदने की बात कह रहे थे, इसलिए कुछ लोग उन पर हंसने भी लगे। फिर लुंग ने चिल्लाकर कहा कि मुझे मैनेजर से मिलना है। शोरगुल सुनकर शोरूम के मालिक बाहर आ गए। फिर कर्मचारियों ने उन्हें सारी बात बताई। तब शोरूम के मालिक ने लुंग को समझाने की कोशिश की। लुंग ने उनसे बाइक खरीदने की बात कही। शोरूम के मालिक ने उन्हें हार्ले डेविडसन दिखाई और बताया कि इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। फिर लुंग ने अपने बैग से 12 लाख रुपए कैश निकालकर सामने रख दिए। सब देखते रह गए और सब हैरान हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।